वेलकम बैक खबर रोज रात आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट मार्शल आर्ट्स प्रो रेसलर तलहा अली से। कैसे तलहा, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। तलहा छोड़ दें इस बेल्ट को, थक जाएंगे आप। नहीं, कोई लेके चला जाएगा, कोई लेके चला जाएगा। अच्छा तलहा, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, मार्शल आर्ट्स प्रो रेसलर कहते किसको है? बेसिकली मार्शल आर्ट प्रो रेसलर्स को कहते हैं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ क्योकुशिन गेम में। अच्छा, मार्शल आर्ट क्योकुशिन गेम है जैपनीज स्टाइल, तो उसमें मैं ब्लैक बेल्ट था। इसके बाद मेरे रेसलिंग ट्रेनिंग ली, अब दोनों को मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, अब मैं अपने मार्शल आर्ट स्टाइल में फाइट करता हूँ। अच्छा, तो इसलिए मार्शल आर्ट प्रो रेसलर, पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट मार्शल आर्ट प्रो रेसलर, पाकिस्तान के पहले। अब मार्शल, आपका जहन कैसे गया कि आपको यही वाली आर्ट पकड़नी है? बेसिकली मैं स्पोर्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे नाना जो थे वो भी बॉक्सर थे अपने यंग टाइम में, तो जाहिर सी बात है खून जोश मारता है। और अम्मी का तो फुल सपोर्ट रहा है, जाहिर सी बात है बॉक्सर की बेटी थी, और अबू का भी फुल सपोर्ट रहा है। लेकिन ये बचपन में जब मार्शल आर्ट सीखते थे तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो, स्पोर्ट्स करो लेकिन पढ़ाई पे फोकस जरूर करना। बस ये होता था मेरा। तो फिर आपने ये कितने अर्से पहले ट्रेनिंग स्टार्ट की? ब्लैक बेल्ट तो मैंने 2012 में लिया है, 2009 में मैंने ज्वाइन किया था, आफ्टर 3 ईयर्स मैंने ब्लैक बेल्ट लिया, फिर और 17 ईयर्स और मेरी एज 10 साल पहले। लेकिन कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है। और ये जो रेसलिंग में मैं रेसलिंग का मतलब स्कोप यहाँ पाकिस्तान में था नहीं, और मतलब ये चीज़ इस पर आई नहीं थी उस वक्त पाकिस्तान में। रेसलिंग 2017 में आई है पाकिस्तान में, और 18 में मैंने ज्वाइन की है, 29 नवंबर 2018 में मैंने ज्वाइन की, और इसके बाद अब आफ्टर 4 ईयर्स आपके सामने। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह। और आपने कितने सारे आपने नेपाल और इंडिया के खिलाफ खेला काठमांडू में, और आपने ये दो बेल्ट्स जीते हैं। आप और भी इंटरनेशनल अभी कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं? बेसिकली मेरा ये थर्ड बेल्ट है। हाँ, ईस्टर्न चैम्पियनशिप है ये, इंडियन चैम्पियनशिप नहीं है। इंडियन चैम्पियनशिप लास्ट इवेंट में मैं लॉस्ट कर गया। अच्छा। यहाँ पाकिस्तानी रेसलर से ही, क्योंकि मुझे चैलेंज हुआ था, मैं फॉर्मर इंडियन चैम्पियन कह सकते हैं, लेकिन करंट नेपाल चैम्पियन और ईस्टर्न चैम्पियन। नेपाल चैम्पियन, ये भी इंडियन की बेल्ट है। अच्छा, ये हमारे एक रेसलर गए थे जो रिसेंटली मतलब इंडिया गए थे कुछ अचीव नहीं कर पाते ना, उन्हें लगता है हर चीज फेक है। अगर आपको इतना ही फेक लगता तो आप भी आ जाए। अगर इतना फेक होता तो सारी पूरी दुनिया उस पर ही जाती, मतलब रेसलिंग पे आके रेसलिंग कर रही होती। एग्जैक्टली, मतलब फेक नहीं है, फेक नहीं, बिल्कुल सही है।